अभी हम लास्ट 60 डेज यानी 2 मंथ्स टू कैट, अब 2 महीने में हम क्या कर सकते हैं, कैन वी स्टिल मेक इट, या कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए सो दैट वी कैन एक्चुअली क्रैक कैट इन नेक्स्ट 60 डेज या 2 मंथ्स। यार अब जितने भी सीरियस एस्पायरेंट हो, आपने तैयारी चाहे अभी तक की है नहीं की है, जस्ट फॉरगेट इट एंड नाउ शुड बी वेरी फोकस्ड, वेरी वेरी फोकस्ड ऑन योर प्रिपरेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रिपरेशन कैसे होगी। सी द प्रिपरेशन विल रिवॉल्व अराउंड योर मॉक्स नाउडेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक्स के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को रिवैम्प करिए। बिकॉज आपको 2 महीने में मुझे लगता है 20 to 25 मॉक ऑन एन एवरेज देने चाहिए, यानी हर वीक के 2 से 3 मॉक अब होने चाहिए। उस मॉक के एनालिसिस में ध्यान से देखिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स में इशू हो रहा है। यू नीड टू गो गो बैक एंड रिवाइज दोज टॉपिक्स अगेन अगेन एंड येट अगेन इफ रिक्वायर्ड। रीडिंग इज ऑफ फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंस, कुछ भी इसमें नहीं बच सकता है। आपको डेली 3 से 4 RC करने ही चाहिए, चाहे आपका स्कोर परवल में अच्छा है, खराब है, 0 आए, नेगेटिव आए, वट एवर मे बी द केस, हैव टू मेक श्योर कि वर्बल के लिए आप 3 से 4 RC डेली आर डूइंग इट। फॉर LRDI ऑल्सो काफी लोगों को रहता है कि पजल्स हमसे नहीं बन रही हैं, यू हैव टू मेक श्योर कैट की, मॉक्स की, सेक्शनल्स की, जितनी ज्यादा से ज्यादा पजल्स आप कर सकें, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दोज पजल्स मल्टीपल टाइम्स, गेट द फील ऑफ इट, गेट द आइडिया कि कैसे अप्रोच करना है इन चीजों को। तो थर्ड इज क्वांट, क्वांट के लिए भी मेक श्योर कि आप हर मॉक के बेसिस पे गो बैक एंड रिवाइज कम से कम 20 to 25 क्वेश्चंस ऑफ एवरी टॉपिक जो आपको वीक लगता है। आपको लग रहा है मैं APGP भूल गया हूँ, गो बैक एंड रिवाइज 20 to 25 क्वेश्चंस। आपको लग रहा है मेरे दिमाग से लॉग निकल गया है, गो बैक एंड रिवाइज 15 to 20 क्वेश्चंस ऑफ लॉग। ज्योमेट्री भूल गए हो, गो बैक एंड रिवाइज ऑल द प्रॉपर्टीज। सो एवरीथिंग विल रिवॉल्व फ्रॉम हेयर अराउंड योर मॉक्स। मेक श्योर 2 से 3 मॉक, कम से कम 2 मॉक आपके हफ्ते के होने चाहिए, चाहे आपका सिलेबस हुआ है नहीं हुआ है, डोंट वरी, आपका सिलेबस अब मॉक ही सिलेबस है, मॉक के थ्रू ही यू कैन कंप्लीट द सिलेबस। तो कीप वर्किंग हार्ड, कीप सेल्फ फेसिंग, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।